Bom. Não, não. अरे क्या कर रहे? अरे किसका कैमरा है यार? सर थोड़ा से सर फिर हम लोग सब जाएंगे जब तक वो ये करेंगे मुझे है ऊपर।
और उन्होंने अंदर भी बहुत अच्छा किया हुआ है, तो मैंने कहा एक्चुअली लुकिंग गुड है। मैं अर्जुन चतुर्वेदी साहब माननीय राज्यपाल महोदय और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पहुंच चुके हैं। हम समस्त उपस्थित महानुभावों से अनुरोध बाबूलाल जी वर्मा से संचालन कार्यक्रम के लिए आज के इस 125वीं जयंती समारोह बाबा साहब अम्बेडकर जी का हम सब लोग मूनलाइट की धरती पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम के प्रारंभ होने पर मैं स्वागत के लिए निवेदन करूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय के स्वागत के लिए मैं श्री गोवर्धन सिंह वर्मा हमारे जो अनुसूचित जाति इनके आप थोड़ा सबसे एजुकेटेड है ये हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष हैं हमारे हमारे महिला बात आरण्य निवेदन करूंगा कि वो विधानसभा अध्यक्ष जी मेघवाल जी मेघवाल साहब का स्वागत करें। श्री हेमराज जी मीणा एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। आयोजित इस कार्यक्रम में बाबा साहब की 125वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर मंच पर मेरे विराजमान सम्माननीय हमारे मंत्री अरुण जी चतुर्वेदी साहब, सम्माननीय कालीचरण जी साहब, सम्माननीय राठौड़ साहब और हमारा सभी सम्मानित मंच और यहां पर बाबा साहब की 125वीं जयंती की शुभकामना देता हूं। जिस प्रकार से इस पवित्र समाना तो इसका वापिस जीर्णोद्धार करके आज हम राज्य के कोने कोने से सब पर आए हैं। आपने अपना अमूल्य समय इस बाबा साहब के नाम पर इस पीठ पर हमारे उस ऐसा पीड़ित उस शोषित व्यक्ति की मदद करने की शपथ आज जिस प्रकार एक जनसेवा उभरा है और ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये राजस्थान के लिए बड़ा सौभाग्यशाली और बड़ा गौरव का दिन है कि आज एक ऐसे महान पुरुष की स्थापित करने की जो परिकल्पना की थी वो आज आगे बढ़ने में हम लोग उस परिकल्पना को साकार करने में कामयाब हो रहे हैं। ये हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छी बात है। के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब उपस्थित हैं, बहुत
वरिष्ठ नेता हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मेघवाल साहब पधारे और विशाल जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब। राजस्थान के गरीब आवाम को एक हौसला बढ़ाने वाली और जो कुछ आपने पिछले सालों राजस्थान को नेतृत्व दिया है वह इस बात का प्रमाण है कि आप आगे भी राजस्थान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, ऐसी हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। मंच पर आसी कि आज हम डॉक्टर अम्बेडकर की 125 जयंती पर देश कुछ दिशाएं तय करने वाला है और किसी ने नहीं, इस देश की दिशाएं तय करने की भूमिका हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने तय की है और उन्होंने एक निर्देश दिया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस संविधान को निर्मित किया उसकी उद्देशिका जो रखी है उस उद्देशिका का अध्यापन प्राइमरी स्कूलों से लगाकर कॉलेज तक कराया जाए। भाई और बहनों, एक ऐसा निर्णय हुआ है, ऐसा निर्देश हुआ है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ लगातार अन्याय होता है, ये देश डॉक्टर अम्बेडकर के साथ न्याय नहीं कर पाया। उन्होंने जो कुछ इस देश को दिया अपनी विद्वता से, अपनी गरिमा से, अपने संघर्ष से, गरीब वर्ग को जिस तरह उठाया, उनको जिस तरह हौसला दिया, उसका बदले में ये देश डॉक्टर अम्बेडकर के साथ न्याय नहीं कर पाया। और जिसका पहला कारण यह है कि जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने 1936 का संविधान भी बनाया, उसके बाद 1947 में जब देश आजाद हुआ तो लगातार 3 साल तक मेहनत करके कठोर परिश्रम से हमारा संविधान तैयार किया और देश को अर्पित किया। उस संविधान में एक पार्लियामेंट की रचना की गई जिसके 2 अंग लोकसभा और राज्यसभा निर्माण किए गए। क्या आपको मालूम है इस देश में उस लोकसभा में 1952 के पहले चुनाव में घुसने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का दरवाजा बंद कर दिया था। उस लोकसभा में वो नहीं घुसे जिस लोकसभा में वोट के आधार पर चुनाव प्रणाली को उत्पादन करते हुए उन्होंने निर्माण किया कि हमारे देश की जनता के प्रतिनिधि यहां बैठेंगे, वो देश की शासन चलाएंगे और प्रतिनिधि बैठने के लिए भी एक वोट का सहारा लिया हरेक को, चाहे कोई किसी स्तर का राजा महाराजा धनी से कोई बड़ा अफसर हो, उन सबको राजनीतिक हिस्सेदारी एक वोट की दी। उस लोकसभा में डॉक्टर अम्बेडकर के घुसने के दरवाजे बंद किए गए, उनको हराया गया। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसको इतिहास कभी नहीं भूलेगा। शोधकर्ता दूसरे लोग कहेंगे इस देश ने अन्याय किया। दूसरा अन्याय महोदय श्री कल्याण सिंह साहब, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश जी मेघवाल, उच्च शिक्षा मंत्री के श्री गादीचरण जी सराफ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अरुण जी चतुर्वेदी, सूचना और प्रसारण केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, परिवहन राज्य मंत्री श्री बाबूलाल जी वर्मा, स्थानीय विधायक श्री जगदीश जी मीणा, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज आपका इस प्रांगण में मैं शत शत आपका नमन करके आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। आज के इस बहुत ही अच्छे दिवस पर सबका स्वागत, और आप लोगों ने मेहनत करके सब गांव-गांव से यहाँ पहुंचे हैं, उन सबका हम सब की ओर से स्वागत। एक समय था जब देश कुप्रथाओं से घिरा हुआ था। ऐसे समय में एक व्यक्ति हमारे बीच में आए, नाम है उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश के अंदर एक नई रोशनी लाई। उस रोशनी में उन्होंने यह कहा कि संभाव सहित संभाग, भेदभाव रहित समाज। और मुझे खुशी है कि हमारा देश बाबा साहब की इस पवित्र भावना के अनुरूप ही अब आगे बढ़ने लगा है। ऐसे महापुरुष बाबा साहब को मेरा हम सबका शत शत नमन। आज ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती है।
वो संविधान के शिल्पकार थे, विधि शास्त्र के विद्वान थे, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, एक समाज सुधारक, मानव अधिकार के रक्षक और कमजोर वर्ग के पैरोकार। वे पत्रकार, लेखक और सभी मायने में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आज भी उनके विचार और सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वे अपने प्रतिभा के बल पे आगे बढ़े और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि मौका हम सबको मिला है, हम भी बाबा साहब अंबेडकर के पदचरणों पे चल सकते हैं, हम भी अपने आप को एक ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं जो दुनिया के अंदर अपनी खुशबू फैला सके। हम सबको उसकी कोशिश करने की जरूरत है। 1922 के अंदर बड़ौदा के महाराज सयाजी राव, जिन्होंने अपने बड़ौदा के अंदर बहुत शिक्षा का मैंने फैलाव किया था, उन्होंने बाबा साहब का चयन करके यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर उनको भेजा। यूएसए की प्रख्यात है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। उन्होंने 1915 में वहां एमए किया, 1917 में पीएचडी की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि लेके अपने देश में वापस आए। और आज आप लोग सबको ये बताया भी जाता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर अब एक बहुत अच्छी और बड़ी मूर्ति हमारे बाबा साहब अंबेडकर की लगी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली राजस्थान या खाली एक प्रदेश या खाली एक देश, आज दुनिया के अंदर अपना नाम इन्होंने बनाया है और ये हम सब इज्जत का सवाल है। डॉक्टर साहब ने ये कहा था, कोई भी समाज जागरूक, सुशिक्षित और स्वाभिमानी होगा तभी उसका विकास हो सकता है। महिला और पुरुषों को उन्होंने एक माना था, समान अधिकार उनको मिलने चाहिए थे, ऐसे उन्होंने सबके सामने बातें कही थी। जन जन के आदर्श आज भी हम सबके बीच में वो हमारे आदर्श हैं। उनका विजन था कि हर वर्ग को सर्वांगीण विकास दिलवाने का काम हम लोग करें, लेकिन 60 साल निकल गए शासन करने वाले लोगों ने, वो जो सपना उनका था पूरा करने के बजाय आज कमजोर से कमजोर वर्गों के अंदर लड़ाई झगड़े करा के उनको कमजोर करने का काम किया है। वोट बैंक से अगर एक दूसरे को डिवाइड करो, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करो, वोट बैंक को किस तरीके से इनको गिन सकें, किस तरीके से वोट बैंक में इस्तेमाल कर सकें, उसको आगे करने की उन्होंने कोशिश की है। कभी किसी को जो कमजोर है उसको मजबूत बना के अपने पैर पे खड़ा करने का काम नहीं किया, और गरीबी को कभी भी सच्चे भावना से दूर करने का प्रयास तक नहीं किया। हाँ, ये मुझे याद है कि हम हमेशा ये सुना करते थे कि गरीबी हटाओ, एक बहुत बड़ा नारा बन गया था, परंतु ये नारा बन के ही रह गया, ठोस कदम ध्यान कोई किसी ने उठाया नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति के नीति के अंदर आज भी वोट बैंक को वोट बैंक से अलग करके रखने का काम ये किया है। मैं सबको यह कहना चाहती हूं कि गरीब को गरीब, अशिक्षित को अशिक्षित, और दुख और दर्द में, अपने दुख और दर्द में उन गरीबों को ऐसे व्यस्त करके रखा कि वो अपने खुद की तरक्की के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था। यही थी रणनीति, और इस रणनीति ने हम सबको 60 साल से आज तक गरीब रखा है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगी कि बाबा साहब अंबेडकर की बात करने वाले वो लोग जो 60 साल राज कर लिए, उनको ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसके बारे में बार बार वो बात करते हैं, वो आजादी के 40 साल बाद उनको कैसे दिखा, और वो भी 1989 के लोकसभा चुनाव के ठीक एक वर्ष पहले उनको याद आ गया कि ये तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और इस व्यक्तित्व को अपने को भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए। भारत रत्न की उपाधि उनको बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, परंतु राज करने वाले लोगों ने, क्योंकि राजनीति में अपने लिप्त थे, इसलिए उन्होंने इतना समय लगाया उनको ये भारत रत्न देने में।
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम उनकी इतनी बात करते हैं और जब हम सब उनको मानते हैं तो इनको ये भारत रत्न पहले क्यों अभी तक हम लोग नहीं दे पाए। आज कुछ राजनेता हम लोगों के बीच में आए थे, राजस्थान की उनको अब खूब याद आ रही। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको राजस्थान की याद तब क्यों नहीं आई जब दलित अत्याचारों के पहले पायदान पर राजस्थान प्रदेश था पिछले 5 सालों में। और मुझे आपको सबको एक अहम मुद्दे का ध्यान दिलाना है, या अभी बीकानेर के अंदर जो काम हुआ उसके अंदर उन्होंने ये मुझे कहा कि सीबीआई की उसकी जांच करवानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने भाषण में यह भी कह दिया कि भाइयों 2.5 साल के बाद अपना चुनाव है, याद रखना उस चुनाव में हम लोगों का जरूर साथ देना। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे लोग हैं, कहां है सेंसिटिविटी, कैसे सोच के लोग हैं जो ऐसे समय के अंदर भी चुनाव का नाम ले सकते हैं। उसे आपको सबको यह मालूम पड़ जाएगा कि ध्यान किधर है। मेरे लिए राजस्थान एक परिवार है, मैंने बार बार कहा है कि 36 के 36 कौम अपने हैं, अपने परिवार के लोग। और किसी भी महिला के साथ एक इस किस्म की बात होती है तो हमें अफसोस होता है, परंतु मुझे मालूम है कि पुलिस के लोगों ने तुरंत ही कार्रवाई की और आरोपियों को बहुत ही जल्दी इनफैक्ट तुरंत ही गिरफ्तार किया। आज मैं नहीं चाहती कि कोई भी पार्टी किसी के बीच में राजनीति करने की कोशिश करे। मुझे समझ में नहीं आता है कि किसी एक पार्टी को यह क्यों दिखाई दे रहा है कि हमें सीबीआई से जांच करानी चाहिए। मैं तो यह कहती हूं कि उसके परिवार के लोग अगर जिस दिन मुझे कहेंगे कि हमें सीबीआई से इसकी जांच करवानी है, उसी दिन उस परिवार वालों की आवाज को सुनते हुए हम सीबीआई की जांच करवाने में प्रण करेंगे, परंतु राजनीति के ऊपर नहीं। मैं सबको यह कह दिया है, लेकिन सीबीआई को जांच करने वाली जो लोग हैं उनको अच्छी तरह से मैं याद ये दिलाना चाहती हूं कि जब विधानसभा के अंदर एक दलित की संदिग्ध मौत हुई थी, उस समय मुझे याद है, आप बैठे हुए यहां, उस समय मुझे याद है कि आवाज उठी थी कि सीबीआई की जांच अपने को करवानी चाहिए, परंतु इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी मुझे यह भी याद है कि सीबीआई की जांच तब सरकार उन्हीं की थी करवाई नहीं गई। वे उस वक्त कहां थे जब सरकार में बैठे हुए जो लोग थे उस समय भवरी देवी प्रकरण, आप लोग सब अच्छी तरह से याद करते हो कि भवरी देवी प्रकरण जब उठा था तो कहां चले गए थे। आपको सबको याद है कि उसका शोषण किया गया था, आगे चल के उसकी हत्या भी हो गई थी। आपको यह भी मालूम था कि उस तत्काल मुख्यमंत्री के पास वो गई, उनके सामने गिड़गिड़ाई, उनके सामने हाथ जोड़ के उसने सब अपनी मुसीबत उनके सामने रखने का काम किया। आपको यह भी मालूम है कि वो दिल्ली गई, दिल्ली में जाकर राहुल जी के सामने गिड़गिड़ाई, और मैं समझती हूं कि अगर उस समय उसकी सुनवाई हो जाती तो शायद उसकी जान भी बच जाती, परंतु उस समय किसी ने सीबीआई की या जांच की सोचे ही नहीं। और मुझे तो यह लगता है कि हमदर्दी क्यों नहीं सामने आई, राज तो उन्हीं का था, इसलिए आज जो हमदर्दी दिखा रहे हैं, अगर उसी समय हमदर्दी दिखाई होती तो ये पहले पायदान, दलित अत्याचार के पहले पायदान में पिछले 5 साल में वो सरकार नहीं होती। आपको सबको याद है 150 सीडी बनी थी, पूरे राजस्थान का इसमें गूंजा, परंतु उस सीडी के अंदर क्योंकि बड़े बड़े चेहरे थे, वो सीडी कहां गई किसी को मालूम ही नहीं है। और बार बार हम लोगों ने सीबीआई की जब बात उठाई तो किसी ने हम लोगों की तरफ झुक के देखा तक नहीं। अब देश की जनता ये चाल चरित्र और चेहरे के अच्छी तरह से पहचान चुके हैं, और मैं नहीं समझते हैं कि भाई किसी के भी बातों में अब हम लोग आएंगे। ये जानना चाहती है प्रदेश की जनता कि राहुल गांधी उस समय कहां थे जब बाबूलाल नागरवाला कांड राजस्थान के अंदर हुआ था, आपको याद होगा, सबको याद है कहां थे, परंतु उन्हें याद नहीं है। वो आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि गरीबों के लिए हम लोगों ने क्या किया। आपको याद है श्रीमती मार्गरेट एल्वा उस समय राजस्थान की राज्यपाल थी,
उदयपुर में आदिवासी कल्याण योजनाओं को देखने के लिए जब वहां गई थी तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के प्रति मैं नाराज हूं, क्योंकि जो काम उनको करना चाहिए था वो इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने किया नहीं, गरीबों के बात मैंने काम किया नहीं, राज्यपाल उन्हीं के थे। आज राहुल गरीबों की बात करते हैं, परंतु वो कहां थे जब 24 नवंबर 2012 को हाई कोर्ट ने ये कहा कि राज्य में गरीब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट ने कहा। और राहुल जी से मैं ये कहना चाहती हूं कि उन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब ये स्वीकार किया कि गरीबों तक हमारी सरकार पैसा पहुंचा नहीं पा रही है, तो उनके पिताजी की बातों के साथ वो भी सहमत थे। उनके पिताजी ने यह कहा कि एक रुपए में से सिर्फ 15 पैसे गरीबों तक पहुंचता है, तो इन्होंने तो और ऊंचे बढ़ा के ये कहा कि नहीं नहीं 10 रुपए में से 10 पैसे जो है वो ही गरीब के पास पहुंचते हैं, तो बाकी पैसा कहां गया। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये पूछने की बात। 60 साल तक गरीबों के नाम पर आपने शासन किया है और उन तक पूरा पैसा नहीं पहुंचा पाए, और आज हमसे सवाल कर रहे जा रहे हैं। हमने तो गरीबों के लिए ये भामाशाह योजना फिर से शुरू की और 2 साल में इसे जमीन पर खड़ा किया। इतना ही नहीं, हमने इसको अब कानूनी अमला पहनाना है। हम भामाशाह एक्ट के साथ साथ भामाशाह प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं ताकि इस योजना को अच्छी तरह से मजबूती मिले। इस योजना के माध्यम से 100% पैसा जो है वो गरीब लाभार्थियों के बैंक अकाउंट्स और खाते में पहुंच जाएगा, और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि 1500 करोड़ रुपए से अधिक पैसा लाभार्थियों के अकाउंट्स में जमा हो गया है। अभी मैं ऊपर क्लास में गई थी उन बच्चों से मिलने के साथ जो RISLDC के अंदर अपना कोर्स कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने उनसे पूछा तो उनने मेरे को बताया कि हम लोग सब जो यहां बैठे हुए हैं हम सबका कार्ड है, BPL का कार्ड है, परिवार का कार्ड है, और उस कार्ड के ऊपर हम अपना जो रोजमर्रा का काम कराते हैं। हो सकता है कि इसके लिए अभी भी थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु ये इतना बड़ा काम है जिसका पूरे राजस्थान के असर आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये सब कल्याणकारी जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं उनको ठंडे बस्ते में क्यों रखा गया। बाबा साहब की स्मृति के में हम लोगों ने 2007 में 2,15,00,000 की लागत से ये 75 बीघा भूमि जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर अंबेडकर पीठ की हम लोगों ने स्थापना की, और मुझे बड़ी खुशी है आज इस बिल्डिंग को देख के कि इसको फिर से हम लोगों ने, पिछले 5 साल में तो बिल्कुल ही मामला ठप हो गया था, यह हो सकता था कि इसको फिर से ठीक करके इसके अंदर का काम हम फिर चालू कर सकते थे। इतनी भूमि है, हॉस्टल भी बन सकते हैं, बहुत सारे काम इस क्षेत्र के अंदर हो सकते हैं। ये एक ऐसी जगह बन सकती है जहां प्रदेश और देश के लोग ही नहीं विदेश के लोग भी आके सोच कर सकते थे, परंतु 5 साल हमारे निकल गए, कोई भी काम किसी ने नहीं किया। आज इस बिल्डिंग को ऐसा देख के मुझे खुशी हो रही। मुझे याद है कि मैंने मंत्री महोदय को जब कहा कि आप एक दफा जाके इस पे चक्कर लगा के हमें बताइए कि अब हमें कितने पैसे देने की और लगाने की जरूरत है, तो ये आके बताए मेरे को कि टाइल्स गिरे हैं, खिड़कियों की बात है, परंतु ये बिल्डिंग जैसे के तैसे हम लोगों ने बना के छोड़ी थी, वैसे के वैसे ही पड़ी हुई है, इसको फिर से जल्दी हम ठीक ठाक करके चालू कर सकते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि इसके अंदर क्लास भी चालू हो गए हैं और पूरी तरह से इसको आप आज जनता को राजस्थान को समर्पित करने का काम आप लोगों ने किया है। अब मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूंगी कि जाते जाते राजनीतिक लाभ भी ने लिया। कल मेरे से पूछा जा रहा था यूनिवर्सिटी के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे, मैं बताना चाहती हूं कि ये एक इतनी अच्छी बिल्डिंग और इतनी अच्छी भूमि आप सबको मिली है। मैं मानती हूं कि अगर इसके ऊपर हम ध्यान दें तो एक ऐसी जगह बन जाती है जो हमारे लिए पूरे राजस्थान के लिए एक देखने लायक जगह बन जाएगी, एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां लोग भी आएंगे, शोध भी करेंगे, प्रोफेसर्स आएंगे, हमारे बच्चों को सिखाएंगे। परंतु इस पीठ की तरफ तो ध्यान नहीं दिया,
हां चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाते जाते विश्वविद्यालय की घोषणा आनंद फानंद में कर दी और करी तो दो कमरे के अंदर विश्वविद्यालय दो कमरे के अंदर और वो भी 6 महीने पहले। इससे सबको मालूम पड़ जाता है कि ध्यान कहां है। अब स्पीड को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का हम लोगों ने सोचा है। प्रदेश के साथ साथ सब स्कॉलर्स यहां पर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन दर्शन पर शोध कर सकेंगे। और बाबा साहब ने जो ये कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता समानता और भाईचारा सिखाता है, मैं भी वही कहती हूं कि यह हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार को आगे ले जाने का, उस परिवार के विकास करने का काम यह हमारा और आपका है। आज इसको इनको हम लोग सब आदर्श मानते हैं, मैं भी आदर्श मानती हूं और इसीलिए हमारा मूल मंत्र वो है कि 36 के 36 कौम को साथ और हर मजहब का विकास, तभी राजस्थान आगे बढ़ चलेगा। आज मैं ये खुशी के साथ आप लोगों के पास कहना चाहती हूं कि हमारे इतिहास में, राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में पहली दफा इस समाज के आदरणीय कैलाश मेघवाल जी विधानसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन है। बस उनके समाज की वजह से अकेले नहीं, मैं आपको यहां कहना चाहती हूं इनकी योग्यता, इनकी विद्वत्ता, इनकी जानकारी, संसदीय परंपरा और इन सब कोई जो बहुत अच्छी जानकारी है, कानून की जो जानकारी उनकी है वो किसी से छिपी नहीं है और हमको सबको उन पर गर्व है। सरकारी नियुक्तियों में जो देते हैं वो आरपीएससी हो या सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन हो, इनके अध्यक्ष पद पर हमारे सरकार ने दलित समाज के आपको अवसर देने के लिए दिया है। हमने हमेशा पिछड़े, दलित, वंचितों और कमजोर वर्ग के लिए विकास की मुख्य धारा से सबको जोड़ने का काम करने की बात रखी है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे प्रधानमंत्री की बात है और प्रधानमंत्री जी की बात के लकीर के ऊपर हम चल रहे हैं। उनका कहना है बाबा साहब का, किसी भी समाज की प्रगति उस समाज के बुद्धिमान, कर्मठ और उत्साही युवाओं के ऊपर निर्भर है। इसलिए मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूं कि पढ़ो, लिखो, अपने पैर पे खड़े हो और बाबा साहब की जो बातें हैं वो दिशाओं के अंदर फैलाने की कोशिश करो और राजस्थान को आगे ले जाने का काम आप अपने कंधे के ऊपर ले लो। आज भामाशाह रोजगार सृजन योजना पिछले दिसंबर से हम लोगों ने शुरू की है। इसमें शिक्षित, बेरोजगार युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष योग्यजन को स्वयं का उद्योग लगाने के लिए 6-7% की दर पर बैंकों से ऋण लिया जाता था। अब हमने उसी पर हमने तय किया है कि 4% ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान दिया जाएगा ताकि 3-3.5% का फायदा हमारे सब लोगों को मिल जाएगा। उसके साथ साथ राजस्थान विनियोजन प्रोत्साहन योजना 2014 के अंतर्गत उद्योगों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भू रूपांतरण शुल्क की छूट जो पहले 50% थी उसको बढ़ा के 100% कर दी गई। रोजगार सृजन अनुदान जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी की सीमा जो है वो अनुसूचित जाति के लिए 30,000 से बढ़ा के 35,000 करवा दी। अनुसूचित जाति प्रवर्ग की महिलाओं के पक्ष में जो अचल संपत्ति के हस्तांतरण विलेख पर स्टैंप शुल्क जो 4% होता था अब सब महिलाओं के लिए उसको 3% कर दिया गया है। हमारी सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र के लिए अधीनस्थ मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए अलग से सेवा नियम बना दिए हैं। अचल संपत्ति के हस्तांतरण विलेख पर अनुसूचित जाति बीपीएल की महिलाओं को 5% के स्थान पर 3% अब स्टैंप ड्यूटी देना होगा और मैं समझती हूं कि इसका आप लोग सबको बहुत ही फायदा होगा। राज्य में जो भामाशाह पशु बीमा योजना है उसके तहत 2016-17 के बीपीएल और अनुसूचित जाति पशुपालकों को पशु बीमा की जो प्रीमियम राशि का 70% प्रीमियम अब अनुदान दिया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। छात्रावासों का निर्माण, छात्रवृत्ति और विशेष कोचिंग के माध्यम से पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। 630 छात्रावास छात्रों के लिए और 154 छात्रावास छात्राओं के लिए संचालित किए जा रहे हैं। 19 आवासीय विद्यालय भी संचालित किए जाएंगे। अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज
विकसित करके कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही। छात्रवृत्ति शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा सहारा है और हमने 2015-16 के अंदर 4 लाख छात्र छात्राओं के लिए 410 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी है। हमारे सब दलित भाइयों पर अत्याचार न हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। इसलिए राज्य में पुलिस मुख्यालय जयपुर में राज्य स्तरीय हेल्पलाइन की भी हम लोगों ने स्थापना की। अभी कुछ 2-3 और नई घोषणाएं मैंने उसमें जोड़े हैं और ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर संबल योजना की घोषणा करती हूं। इस योजना के 3 उद्देश्य हैं मुख्यतः: कौशल और आजीविका को प्रोत्साहन देना, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना। तो नंबर 1 जो है कौशल और आजीविका को प्रोत्साहन देना, अंबेडकर कौशल प्रशिक्षण केंद्र, आपने कुछ तो देखा ही है, राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए यह कौशल प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है। और इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अंबेडकर पीठ के परिसर में राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम यानी RSLDC के माध्यम से अंबेडकर कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूं। इसमें दलित छात्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। आप ऊपर जाओगे तो देखोगे सब लोग वहां हैं। इस केंद्र के संचालन पर प्रतिवर्ष करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मुझे बताते हुए खुशी है कि RSLDC द्वारा वर्तमान में 2 कोर्सेज संचालित मैंने शुरू कर दिए हैं, अकाउंटिंग यूजिंग टैली सॉफ्टवेयर और फूड एंड बेवरेज सर्विस। वो आने वाले समय में और भी हम इस तरह के रोजगार जो उपयोगी है उसकी सुविधा यहां उपलब्ध कराने का काम करेंगे। नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अंबेडकर स्टार्टअप योजना बच्चों के लिए, हाल ही में अपने स्टार्टअप पॉलिसी 2015 की घोषणा की थी। ऐसे जो हमारे युवा हैं जिनके पास इनोवेटिव और नए आइडियाज हैं वो इस नीति के तहत विभिन्न प्रकार के लाभ अब प्राप्त कर सकते हैं। दलित युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी तथा नई तकनीक और नवाचार आधारित उद्यमिता में प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रथम चरण में 100 स्टार्टअप प्राथमिकता से उपलब्ध करवाए जाने के लिए अंबेडकर स्टार्टअप योजना की घोषणा करती हूं। भारत सरकार के स्टैंडअप योजना अभी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, और इस योजना को संयुक्त रूप से देखा जाए तो अपने आप में ये एक अनूठी और सशक्त योजना के रूप में उभर कर आपके सामने आएगी, क्योंकि बैंक की तरफ से तो लोनिंग होगा, वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि करोड़ रुपया है वो, मैंने उसमें वो भी लग जाएगा। और उसके साथ साथ में इस अंबेडकर स्टार्टअप योजना के अंदर पैसे के साथ साथ हम अच्छे आइडियाज को भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अंबेडकर फेलोशिप योजना, राजस्थान राज्य के दलित प्रतिभावान छात्रों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को PhD, इसको किस तरीके से अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ाए जाए उसको ध्यान में रखते हुए 6 विषय समाजशास्त्र, लोक प्रशासन विधि लॉ, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में पहले फेज में प्रतिवर्ष कुछ छात्रों को अंबेडकर फेलोशिप योजना की मैं घोषणा करती हूं और इसको राज्य सरकार पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। मैंने एक बच्चे को शायद 6.5 लाख ही मिल सकता है और निरंतर कुशलता पूर्वक शोध करने वाले बच्चों को फेलोशिप अधिकतम 3 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, अंबेडकर पीठ में विद्यार्थी निशुल्क अंबेडकर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करती हूं। कल ही बात चल रही थी अंबेडकर स्टैचू के ऊपर और इसके अंतर्गत अंबेडकर पीठ में अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के माध्यम से अध्ययन और अनुसंधान के लिए नवीनतम अध्ययन सामग्री माने नए किताब और नई माने कल जो बात हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा संग्रहण करेंगे, एक आधुनिक पुस्तकालय की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध रहेगी। अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, दलित वर्ग के प्रतिभान विद्यार्थियों को विदेश की
रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में अपने स्तर पे पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन लेने पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 ऐसे शोधकर्ताओं को उनके निरंतर एवं कुशलता पूर्वक शोध करने के आधार पर प्रतिवर्ष छात्र को 25 लाख रुपए तक की सहायता अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदान करने की घोषणा है। इसके साथ ही डॉक्टर बी आर अंबेडकर शोध के चेयर की संस्थापना कोटा विश्वविद्यालय में स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूं। इसके द्वारा अंबेडकर जी के आर्थिक सामाजिक विचार पर उत्कृष्ट शोध को अब बढ़ावा मिलेगा। ये तो कुछ ऐसी बातें हैं, परंतु मैं इस पवित्र मौके पर आप सभी से यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि अभी ग्राम उदय से भारत उदय का एक कार्यक्रम 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हमारे सब स्टेट्स के अंदर प्रदेशों के अंदर चालू होगा। मेरा आप लोग सबसे आग्रह है कि ये जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें आप लोग सब भागीदार बनेंगे, सक्रियता के साथ भाग लेंगे और उनको सबको सफल बनाने में पूरा पूरा काम करेंगे। इस अवसर पर मैं आप सबका निवेदन करना चाहती हूं कि उन आदर्शों पे, सिद्धांतों पे, विचारों के माध्यम से एक समाज का हम सबको निर्माण करना है जिसमें जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमारे बाबा साहब ने कहा था। एक ऐसे समाज का हमें निर्माण करना है जहां वर्ग और समुदाय के आधार पर अधिकारों का कोई हनन नहीं हो। एक ऐसे समाज का हमें निर्माण कराना है जहां सब लोग परस्पर प्रेम और सद्भाव में रहते हो। मैं सबको कहा है कि विकास करना है तो बिना प्रेम के वो विकास नहीं हो सकता है। एक दूसरे के बीच में अगर कटुता होगी, एक दूसरे के बीच में अगर दीवारें खड़ी हो जाएंगी, एक दूसरे के बीच में अगर हम लोग मेल मिलाप नहीं रखेंगे तो आगे चल के प्रदेश बढ़ नहीं सकता है। तो आइए हम सब अपने समाज को ऐसा ही रूप दें और राजस्थान की उन्नति के अंदर जैसे वो चाहते थे हमारे देश के लिए वैसे हम भागीदार बने। एक छोटी सी शायरी आपको मैं समर्पित करना चाहूंगी, इसको सुने। आंखों से आंसुओं को निकलने न देंगे, आंखों से आंसुओं को निकलने न देंगे, माला के मोतियों को बिखरने न देंगे। 36 कौमों को लड़ाने की साजिश भी गर होगी तो भी हम इस परिवार को बटने न देंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत घना धन्यवाद भी देती हूँ, बहुत सारी बधाई भी देती हूँ और विश्वास करके यहां से अपनी बात पर विराम लगाती हूँ कि संकल्प हम लेके यहां से उठेंगे कि जो बातें हमको बाबा साहब अंबेडकर ने सिखाया है उन बातों के ऊपर हम सब अडिग रहेंगे और अडिग रह के हमारे प्रदेश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिसका सपना आप और हम सब ने मिलकर देखा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी आप लोगों को प्यार और आज के दिन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस वर्ष इस 125वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत आपको बधाइयां। मैं आपको यहां ये भी घोषणा करना चाहती हूं कि हमारे इस पीठ के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल श्री कन्हैयालाल जी बैरवाल, इनका अनाउंसमेंट मैं यहां आपको करना चाहती हूं। अभी आज से शुरू हो गया है, सब सेक्रेटरी सब लोग उसके अंदर पूरे जितने भी होने थे वो सब पूरे हो गए हैं। आज डायरेक्टर जनरल भी हमारा बन चुका है और मैं ये विश्वास करती हूं कि आने वाले समय के अंदर इनका पूरा लाभ हमको इस शोध संस्थान के द्वारा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर न्याय पुरस्कार श्री दिलीप कुमार घटिक पुत्र श्री मूलचंद इनको 51,000 रुपए का पुरस्कार इन्होंने गरीब प्रदान किया। अंबेडकर शिक्षा मुहिम 1-3% अंतर्गत की है। सबसे आपने जरूर तालियां बजाकर किस पर को बोलता है। इधर नरेंद्र प्रसाद 10वीं परीक्षा 2015 में 96.83% अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। सुश्री खुशबू सिरोर
उत्तरी श्री देवकी नंद 96.83% अंकों प्राप्त किए। आदित्य कुमार बेरवा, पुत्र श्री रामधन बेरवा, अंबेडकर कॉलोनी सवाईमाधोपुर, पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल के हैं 51,000 रुपये का है। अनुजाति वर्ग में 12वीं विज्ञान परीक्षा में 51,000 रुपये का पुरस्कार, अनुसूचित जनजाति वर्ग में 12वीं विज्ञान परीक्षा में 95.60% श्री ललित कयाद, पुत्र श्री राजेंद्र कयाद, न्यू थाना में 12,000 रुपये का पुरस्कार, अनुसूचित जनजाति 12वीं वाणिज्य वर्ग में 89.80% किए। श्री प्रकाश चंद्र मीणा, पुत्र श्री जगदीश नारायण मीणा, प्रसाद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगतपुरा विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश जी मेघवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अन चतुर्वेदी जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री कालचंद्री प्रसाद, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राजवर्धन सिंह जी राठौर, परिवहन राज्य मंत्री श्री बाबूलाल वर्मा जी, विधायक श्री जगदीश मीणा जी, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज के इस पुनीत अवसर पर मैं युग पुरुष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपने अंतःकरण की श्रद्धा सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो बड़े क्रांतिकारी थे, बड़े महान थे। उन्होंने देश को संविधान दिया, ऐसा संविधान जिसमें गरीबों के हितों की रक्षा हुई, दलितों के हितों की रक्षा हुई, पिछड़ों के हितों की रक्षा हुई। लेकिन उनकी महानता में दूसरा पैमाना मेरी दृष्टि में, महान विचारक तो थे ही, क्रांतिकारी भी थे, समाज में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे, जातिवाद के कोड़ को भी मिटाना चाहते थे, समाज में समता लाना चाहते थे, समाज में समरसता लाना चाहते थे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो सामाजिक समरसता की बात की जाती है, ये तब तक होती है जब तक कि हमारे अंदर सामाजिक समता के संस्कार नहीं पैदा होते हैं। समाज में ऊंच नीच का भाव रहेगा, छोटे बड़े का भाव रहेगा, गरीब अमीर का भाव रहेगा, खाई चौड़ी रहेगी, फिर समरसता नहीं आ सकती। तो सबसे पहले हमें सामाजिक समता पर जोर देना होगा, सामाजिक समरसता तो अपने आप आ ही जाएगी। लेकिन देखने में आता है जो कहता है सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता, भाई सामाजिक समरसता लाने के लिए पहले सामाजिक समता तो लाए हम, यही तो सिखाया था बाबा साहब ने हमको। उनके महान होने के कुछ और घटनाएं, मैं उनके बचपन की 3-4 घटनाएं सुनाना चाहता हूं, और केवल इसलिए कि उनसे ज्यादा आज के जो उपेक्षित हैं, उजड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, आज उनके जैसे कष्ट उठाया था उतना कष्ट नहीं उठा रहे होंगे। जब वे महान बन सकते हैं तो अपने परिश्रम से, अपनी शिक्षा से, अपने संघर्ष से, अपने संगठन से आज का जो पिछड़ा हुआ समाज है, दलित समाज है, उसके नौजवान आगे क्यों नहीं आ सकते, संकल्प लेने की आवश्यकता होगी। और ध्यान रखना, संकल्प एक बार संकल्प लेकर देखो, संकल्प लो और संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पूरी पराकाष्ठा, पूरे परिश्रम और पूरा पसीना बहाकर देखो, सफलता आपके कदम चूम लेगी। और ये बाबा साहब के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं उनके जीवन की 3-4 घटनाएं बताना चाहता हूं जिसके कारण से मेरे, और आज एक नया युग प्रारंभ हुआ है। जब शासन
किसी का सही, लेकिन गरीबी मिटाने के लिए सबसे पहले बेरोजगारी मिटानी होगी। देश की तस्वीर बदलने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के अनुसार भारत का निर्माण करने के लिए गांव की तरफ जाना पड़ेगा। शहरों में देखता हूं कारों का काफला चल रहा है, छह छह मंजिला कोठियां खड़ी हैं, लगता ही नहीं है कहीं देश विदेश से न गरीबी भी है। लेकिन जब मैं गांव में जाता हूं दिल रोता है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और दो तिहाई से ज्यादा की जनसंख्या तो गांव में रहती है। वसुंधरा जी ने उस ओर ध्यान दिया है और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो बाबा साहब ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की बात की, यहां जितने लोग बैठे हैं, जितने गरीब हैं, जितने निर्धन हैं, जितने बेरोजगार हैं, वो मेरी नजर में सब दलित हैं, दलित की कोई कौम नहीं है, ये सब गरीब हैं। जितने गरीब हैं जिनके सर पर छत नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, वो किसी जाति का, वो सबके सब गरीब, सभी के सब दलित हैं, सब पिछड़े हैं, ऐसे लोगों को एक बार बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना हो तो तीन चीजें, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। संघर्ष का रास्ता बनाना होगा। शिक्षा की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। शिक्षा अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। युग बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, शिक्षा की पद्धतियां बदल रही हैं। आज का युग तकनीक का है, आज का युग विज्ञान का है, आज का युग कंप्यूटर का है। हम अपने बच्चों को प्रारंभ से तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा और कंप्यूटर की शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएं। इसमें सरकार की ओर से जो कुछ भी मदद हो सकती होगी सुधार जी करते ही देश का नक्शा बदल जाएगा। मुझे एक साल सात महीने हो गए, मैं सच कहता हूं राजस्थान के लोगों, आपने मेरा तो मन मोह लिया है, मुझे बहुत भाग गया है। काम करने का जी करता है, उच्च शिक्षा में जो कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता था जिसका मुझे अधिकार है मैंने करके दिखाया, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने ये भी किया है, हर विश्वविद्यालय को कहा कि भाई एक एक गांव गोद लो। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा था कि आप कलेक्टर्स को एक चिट्ठी लिख दीजिएगा कि जो गांव यूनिवर्सिटी गोद रहती है उस गांव के अंदर जितनी योजनाएं चलती हैं विकास की, सबको डबटेल करके धनराशि मुहैया कराने के लिए और विश्वविद्यालय के उपकुलपति के साथ संपर्क करके उस विलेज को बनाएं। स्मार्ट विलेज, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, दोनों साथ साथ स्मार्ट बनेंगे, ये राजस्थान स्मार्ट राजस्थान बन जाएगा। अभी हाल में जो राजस्थान रिसर्जेंट समिट हुआ 2015 को, जिसमें 3,00,000 करोड़ रुपए के एमओ साइन हुए हैं, मुझे विश्वास है आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में वो जितने एमओज हुए हैं समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित होंगे, समयबद्ध टाइम टेबल तय करके कि अब जमीन का काम अमुक तारीख तक पूरा होना है, पॉल्यूशन का बोर्ड का काम अमुक तारीख तक क्लियरेंस ले लेनी है, ये फाइल इस तबक तक टेबल पर जाएगी, अब तारीख तक टेबल पर रहेगी, तब टेबल पर रहेगी और अंतिम निर्णय इस टेबल तक हो जाएगा। निश्चित तौर से जिस दिन 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश इस राजस्थान की धरती पर होगा, राजस्थान का कायाकल्प हो जाएगा। वसुंधरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अम्बेडकर जी को पुनः पुनः नमन।
बहुत बहुत आभारी हैं। कैलाश जी मेघवाल साहब विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा, इनके लिए मैं निवेदन करूंगा श्री गोवर्धन जी को कि वो कैलाश जी मेघवाल, उनको मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आदरणीय अर्जुन लाल जी गर्ग जो हमारे राज्य सरकार में राज्य की रेट पर जब शाम की पुरवाइयां शीतल बयान की ठंडक प्रदान करती हैं तो दर्रा दर्रा मुस्कुरा उठता है और जब थोड़े मुस्कुराते हैं तो सौर और साल की बारिश खुद ब खुद हो जाती है। बाबा साहब के जीवन से उनके उस आदर्शों से सौंत राजस्थान वासी अपने व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं जिसके कारण यहाँ सामाजिक समरसता का वातावरण सभी ओर परिलक्षित हो जाता है। तो आइए मास्टर ड्रामर ऑफ राजस्थान के साथ राजस्थानी सुर और ताल लिए इनकी कला 25 सदस्यीय कलाकार जिसमें है फिरंगी भी शामिल, छोटा नगाड़ा और बड़ा नगाड़ा और साथ है शुभ मंगल ध्वनि। इतिहास के ऐसे महान नायक थे जिन्होंने जीवन भर संपूर्ण समाज को एक करने का पाठ पढ़ाया और देश को विकास की गति प्रदान की। आज से 125 वर्ष पूर्व
14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ छावनी नजर में भीमराव जी अम्बेडकर एक होनहार व मेधावी छात्र थे। हर रक्षा के लिए रखी गई पुरुष नींव पर ही आज की महिलाएं समाज में पुरुषों से कंधे से कंध मिलाकर चल पा रही हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं नहीं जानता इस दुनिया का क्या होगा अगर बेटियों का जन्म ही नहीं होगा, अर्थात बेटियों की सुरक्षा ही हमारा मौलिक कर्तव्य है, जिसके आधार पर आज हमारी सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। डॉक्टर अम्बेडकर सक्रिय राजनीति के साथ साथ सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने में लगे हुए थे। उन्होंने ही दलित तथा पिछड़ी जातियों को भी समान रूप से तालाबों का पानी पीने देने तथा मंदिरों में प्रवेश व पूजा के अधिकार दिलाए। डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि जातिवाद व सामाजिक असमानता को लेकर कोई देश न आगे बढ़ सका है और न बढ़ पाएगा, इसलिए देश की संरचना ऐसी हो जिसमें भेदभाव न हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने इन पुरजोर प्रयासों से पूना एक्ट पास करवाया था जिसमें आश पानी और लेजर का अनूठा अजूबा क्या तिलस्म रचा क्या खूब वाकई आप सभी दिल के आईने में मंजर समेट लीजिए और एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे राजस्थानी होने का हमें गौरव बोध है इस बात का। जन्म दिवस 125 बार दिवस उत्साह उल्लास का उल्लास समस्त उत्कर्ष का वाकई क्या खूब किसने कहा है आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ आती है कहाँ रोज रंग और नूर की बारात आसमान में इस भव्य आतिशबाजी के साथ।
नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर अपील करती है।